चेला। हाँ बाबा। ई कह रहे हैं हाँ कि देखो कोई भी मरीज पेशेंट आता है हाँ। तो तुमको भी कुछ मिल जाता है, बाबा को तो मिल ही जाता है। मिल जाता है एकदम मिल जाता है बाबा। तो वो जो मरीज आई थी अच्छा, अरे तुम्हारे गांव के बगल वाली। हाँ हाँ। तो वो कह रही थी कि उसकी एक ननद है उसको भेजने के लिए। हाँ। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला, क्यों नहीं भेजी, का हुआ। अरे भेजेगी जब आई है तो भेजेगी। एक काम करो ना बच्चा। हाँ। कि थोड़ा सा अपना भी कुछ करना पड़ता है, तुम जाओ पता करो और उसके ननद से मतलब बात करो, और बाबा के पास जब कहती है तो लेके आना। अच्छा हाँ, तो जाए बात करे कहाँ। हाँ बोल देना कि बाबा कह रहे थे कि का हुआ उस समस्या का। हाँ ठीक हो गया क्या। हाँ यदि मतलब आने को कहेगी तो तुम्हारा भी काम बनेगा, बाबा का भी काम बनेगा। एकदम बाबा, हमारा भी काम बनेगा। हाँ जाओ जाओ देखो। ठीक है जा रहे हैं। जाओ। मस्त रहो मस्त रहो। चला आ गए। बैठो बैठो बैठो। ई कौन है। अरे वो नहीं, आप ही ने भेजे हैं। अच्छा वही वाली है का। उसकी ननद है। उसकी ननद है। ये तो आने के लिए परेशान थी। अच्छा लेकिन वो कोई लाने वाला नहीं था इसको। हम गए हैं तो बात किए तो, अरे हम खोज रहे थे तो हम सोचे हैं कि चलो। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बैठ जाओ। चला तुम भी बैठ जाओ। बैठ देखने के लिए ही गए थे। ठीक है देखना सुनना है देख लीजिए। अरे हम सब देख ले रहे हैं जब। हाँ। हमारे पास आ गई ना। हाँ, तो सब देख ले रहे हैं। ठीक है थोड़ा और इधर में आ जाओ ना। हाँ, बाबा के जाओ करीब जाओ करीब जाओ थोड़ा। अब जो तुमको मतलब परेशानी है बाबा से छिपाना नहीं चाहिए, ठीक ना। बाबा से साफ साफ बताओ, सब कुछ बता देना। उसके हिसाब से हम तुम्हारा जो परेशानी है ठीक कर देंगे और तुम्हारा जीवन एकदम सफल हो जाएगा। एकदम एकदम बहुत लोगों का कल्याण किए हैं, पूछो चेला से। हाँ बहुत लोगों का कल्याण हो गया है। तुम्हारी भाभी का भी कल्याण हुआ है यहाँ पे। इसकी भाभी थी ना। हाँ बहुत तो परेशान थी। हमारा ननद है एक परेशान है। हाँ है? बहुत परेशान थी, उसका हम कल्याण कर दिए एकदम। हाँ। इस समय फिट है, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ। बच्चा हो गया, देखो कैसे खिला। और तुमको भी जो परेशानी है ना बच्ची, वो खुल के बता देना। खुल के बताना, खुल के बताना। हाँ, छिपाना नहीं है यहाँ। हाँ। छिपाओगी तो सही नहीं होगा। बताओ क्या परेशानी है तुमको। परेशानी है बाबा जे हमारा शादी हो गया है। तो शादी हो गया है तो क्या परेशानी है। शादी हो गया है तो और अच्छा बात है। उसके बाद का सुनिए ना। अच्छा अच्छा बच्चा नहीं होता है। नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। मेरा आदमी था ना छोड़ के भाग गया दूसरा के साथ। तो हम ससुराल से आए हैं रहने के लिए नैहर में। नैहर में रहते हैं। देखो बच्ची ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा ना, ये तुम्हारी भाभी एक बार बोली थी, ठीक ना। लेकिन हम सोचे हैं कि तुम्हारे मुंह से हम सुने कि तुमको क्या परेशानी है। चला। हाँ बाबा। देखो ना जमाना क्या से क्या हो गया। हाँ बाबा यही तो हम सोच रहे हैं। इतना मासूम लड़की, इतना सुंदर लड़की, इतना सुंदर लड़की है, इतना अच्छा शरीर है, इतना बढ़िया, एकदम टॉप हीरोइन जैसे। हाँ, वो पता नहीं कैसा था, वो दूसरे पर दीवाना, और वो कैसे इसको छोड़ के दूसरे पर दीवाना हो गया। देख रहे हैं बाबा, वही तो हम भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे छोड़ कर चला गया। अच्छा बाबा इसका कल्याण कर दीजिए, अब तो क्या किया जाएगा। ठीक है ठीक है, पहले तुमको जो है शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ठीक ना बच्ची। ये जो है सिद्ध किया हुआ जल है, ठीक ना। इसको जो है थोड़ा सा ग्रहण कर लो। इससे मतलब ग्रहण करने पर तुम्हारा जो भी परेशानी है सारा कष्ट परेशानी दूर भाग जाएगा। असर हो रहा है ना। असर क्या हो रहा है। चक्कर आ रहा है। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो जो तंत्र मंत्र किए हैं ना उसी का असर है, अभी सही हो जाएगा। हाँ बाबा काम बन गया।
हम भी कर रहे हैं काम, देख रहे हो कितना सुंदर है बाबा। तो एक काम है ना, बाबा देख रहे हो कितना खूबसूरत भगवान इसको मतलब क्या मुखड़ा बनाया है बाबा। बहुत मेहनत किए हो ना, अब तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है बाबा, बाबा को भी मिलेगा तुमको भी मिलेगा। हाँ बाबा, हाँ। एक काम है ना, हाँ बाबा, गुरु मैं हूँ ना, हाँ? तो पहले मुझे भोग लगा लेने दो। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, आप भोग लगा लीजिए उसके बाद से हम। हाँ हाँ, तो चला, तो यहाँ पर अब रहने से क्या फायदा है, थोड़े देर के लिए हम थोड़ा दूर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाओ बढ़ जाओ, इसके बाद से हम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी हम आवाज देंगे तब आना। किधर है, कितना 45 मिनट हो गया, देखो। अरे बाबा 45 मिनट से ऊपर हो गया है। अब 10 मिनट में होश आ जाएगा। पानी थोड़ा मारिए बाबा, पानी मारिए बच्ची। अरे उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ। अब मंत्र मारा तो मेरा क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जो है ना अपना शक्ति मारे थे कि तुम्हारा पति कहीं भी हो देश दुनिया के किसी कोने में, तो वो अब एकदम बेचैन होके तुम्हारे पास आएगा, आ जाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हो जाएगा बाबा। एकदम बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा भी अब टेंशन करने का जरूरत नहीं है। जिसको जिसको बाबा देख लेता है ना उसका काम एकदम सही हो जाता है। ऐसे में बच्ची तुमको तो जैसे कि 3 साल से अपने नैहर में रहती हो, तो आज जो है कि जो बाबा और चेला तुमको मतलब अपना शक्ति लगा के जो झाड़ फूंक किए हैं, इससे तुमको कुछ राहत है ना, अब कुछ शरीर फुर्ती में है ना, अच्छा लग रहा है ना। ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ गया है ना। जय बाबा। हाँ 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 हाँ, अब तुम एकदम फिट हो गई, चली जाओगी ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप तो चले जाओ जाओ जाओ। चला ऐसे ही ध्यान देते रहोगे ना, बाबा का भी काम बनेगा तुम्हारा भी काम बनेगा। ठीक है, होता रहेगा हम लोग का काम। हाँ जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक। बिल्कुल। नमस्कार हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स और हमारे वीडियो देखने वाले जो भी दर्शक हैं, आप लोग को हम प्यार भरा प्रणाम कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग दिखाए हैं वही दिखाए हैं कि आज कल मतलब लोग अंधविश्वास में जो बाबा लोग के पास जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग बाबा जो होते हैं ढोंगी होते हैं, और इस ज़माने में सही बाबा तो बहुत कम में देखने को मिल रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सब बाबा ऐसा ही हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादा बाबा मतलब ऐसा ही हैं, ढोंगी हैं। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया, गुरु और चेला दोनों मिलकर इस औरत के साथ मतलब अपना किस हद तक पार हुए, तो आप लोग ऐसा गलती न करें, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को बारम्बार प्रणाम कर रहा हूँ।